got this me boom boom animation. If you like this video, then give big thumbs up and don't forget to like and subscribe. Thank you. एक दिन वीर शिवा से मिलने के लिए गया। तवीर शिवा से कहता है कि अरे यार, तुम इतने दिनों से किधर गायब हो यार, नजर ही नहीं आते, ना ही लिफ्ट करवाते हो हमें, अजीब बंदे बन गए हो आजकल तुम। तभी शिवा कहता है कि अरे यार क्या बताऊँ, मैं अपने दोस्त रघु के लिए बहुत चिंतित हूँ। वो काफी दिनों से मुझसे राबिता भी नहीं हुआ उसका, और पता नहीं वो गाँव में क्या कर रहा होगा। वो दोनों ये बातें कर ही रहे होते हैं कि हम अगले ही सीन में क्या देखते हैं कि रघु वहाँ अपने कमरे में सो रहा होता है। काफी रात का टाइम होता है, क्योंकि आप लोगों को खिड़कियों में से सुबह नजर आ रही होगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये रात का टाइम है। और रघु को बहुत जोर की पीछी आई हुई होती है, तो रघु अपने कमरे से बाहर चला जाता है। हम अगले ही सीन में क्या देखते हैं कि रघु अपने घर से भी बाहर आ चुका था, क्योंकि रघु के घर में एक भी शौचालय नहीं बना हुआ, तो इसलिए ये रघु की मजबूरी है कि उसको पीछी करने के लिए जंगल में जाना पड़ता है। हालांकि रात का टाइम जंगल बहुत डरावना होता है, और ये रघु की जान भी जा सकती है इसमें। रघु आगे बढ़ ही रहा होता है कि उसके पीछे एक चूहा आके उसकी पैरों की निशानात को सूंघते हुए रघु का पीछा भागते भागते करता है। रघु को ये नहीं पता होता कि अब उसके साथ क्या होने वाला है, आखिर उसका पीछा कौन कर रहा है और क्यों उसका पीछा कर रहा है। इतने में हम अगले ही सीन में देखते हैं कि रघु और भी घने जंगल में पहुंच गया है, और अब रघु का बचना नामुमकिन नजर आता है, मगर फिर भी यहाँ रघु बैठ के आराम से अपनी पीछी कर रहा होता है। वो रघु अपनी पीछी में मगन होता है, तभी पीछे से वही चूहा भागता हुआ आता है और रघु की पीछी को देख के उठा लेता है। वो ये समझता है कि ये गोश्त है, और हालांकि जैसे ही रघु पीछे देखता है तो रघु की पीछी गायब हुई होती है। रघु को काफी ज्यादा डर लग जाता है, और वो डरते डरते अपना मोबाइल फोन जेब से निकाल लेता है, और वो शिवा को कॉल मिलाता है और शिवा से कहता है कि अरे शिवा यार, तुम कहाँ पे हो यार, मैं इधर जंगल अपनी पीछी करने आया था, अभी मैंने पीछी क्या, पीछी गायब। जैसे ये कहता है, पीछी उसके पीछे से आके उसके गर्दन में लग जाती है, और तभी वो चूहा आके रघु को पीछे से मार ही देता है और रघु का खून कर लाता है, और फिर चूहा अपने वैन में जाके छुप जाता है। इतने में हम अगले सीन में क्या देखते हैं कि शिवा अभी बाहर आ चुका था, और वो रघु की मदद करने के लिए फिर से अपने बाइक को उठा लेता है। वो जैसे ही अपने बाइक पर बैठ जाता है, वो रघु की तरफ रवाना हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि शिवा काफी सफर तय करने के बाद आखिरकार वो जंगल तक पहुंच गया है। शिवा आगे बढ़ता जा रहा है, आखिरकार शिवा रघु तक पहुंच ही जाता है। वो उसी जंगल में आ जाता है जहाँ पे रघु की मृत्यु हो चुकी है। शिवा जैसे ही बाइक को रोकता है, और वो क्या देखता है कि रघु वहाँ पे मरा पड़ा हुआ है। वो रघु को उठाने वाला होता है कि चूहा फिर से दूर से निकल के शिवा पर हमला करना चाहता है, लेकिन शिवा ने एक लात मारी और चूहा गायब हो गया। तो दोस्तों, आप लोग बताइए कि इसे हमें क्या सीख मिलता है, कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर दे दीजिए, और वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए।